हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्क्रिप्टेड व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आप एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाती है और जो बड़े और बच्चे सभी को बहुत पसंद आती है। तो ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में किया है गर्म पानी और इसके अंदर मुझे ऐड करना है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्च ज़्यादा डाल सकते हो और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसमें हल्की मिर्च भी डालें, काली मिर्च भी डाल सकते हो आप लाल मिर्च की जगह। और इनको अच्छे से मिक्स कर लें पानी में, गर्म पानी में। और उसके बाद इसमें डाल दीजिए एक कटोरी सूजी और ये सूजी को मैंने इस तरह से मिक्स करना है अच्छे से चलाते हुए। और ये ध्यान रखना कि इसको लगातार चलाते रहना है जिससे इनमें गुठली ना पड़े। और ये देखिए मैंने सारा मिक्स कर लिया अच्छे से। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये हमें एक डो जैसा तैयार करना है, जैसे एक डो होता है उस तरह से। तो ये हमारा डो तैयार हो चुका है लगभग। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। और प्लेट में ठंडा करने के बाद मैंने लिया है बॉयल आलू, उनको मैंने अच्छे से मैश किया है। बॉयल आलू को अच्छे से मैश किया है और मैश करने के बाद इसमें मिक्स कर दूंगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है हाथों से और जब ये ठंडा हो जाए तभी मिक्स करें वरना हाथ जलने का डर रहता है। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मैंने लिया थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल और इसमें लगा दूंगी ऊपर से रिफाइंड ऑयल को हल्का सा। और इस ये डो तैयार हो चुका है। ये ऑयल इसलिए लगाते हैं जिससे कि हाथ में चिपके ना पेस्ट। और उसके बाद इसकी गोल गोल बड़ियाँ बनाऊंगी मैं, जैसे बड़े होते हैं इस तरह की शेप में। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत आसानी से बन भी जाते हैं ये। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इस तरह से बना लूँगी मैं अपने सारे बड़े या फिर डोनट्स, जो भी आपका हो, कुछ भी कह सकते हो आप, सिर्फ डोनट्स कह सकते हो, बड़े कह सकते हो। तो इनकी शेप कुछ इस तरह से बनानी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सारे बड़े बनाकर रख लूंगी अपने और उसके बाद इनको ऑयल में तल लेंगे कढ़ाई में। आप इन्हें डीप फ्राई कर सकते हो। डीप फ्राई करने में ये कुरकुरे और टेस्टी लगते हैं। बस इनमें इस बात का ध्यान रखें कि सारे बड़े एक साथ बनाकर रखें उसके बाद तल लें। और इनका ना एक बेनिफिट ये भी कि इनको अगर बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो ये 2 दिन तक चल जाते हैं और उसके बाद आप इन्हें तल निकाल कर तल सकते हो फ्रिज से निकाल के। तो ये हो गए हमारे बड़े तैयार सारे। और अभी मैंने कढ़ाई इसमें पैन में रखा है तेल गरम करने के लिए और इसमें मैं अपने सारे बड़े डालकर तल लूँगी अच्छे से। एक एक करके इस तरह से डालूँगी और सारे बड़े तेल में तल लूँगी। तो ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। और ये देखिए हमारे सारे बड़े तलने शुरू हो गए हैं और अभी मैं इन्हें अलट पलट करके तल दूंगी अच्छे से, क्रिस्पी क्रिस्पी बना लेंगे। और उसके बाद मैं इन्हें निकाल लूंगी मैं एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मैं अभी निकाल लेती हूँ इनको प्लेट में। और ये देखिए कैसे लग रहे हैं बड़े या फिर डोनट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।